अब नए मतदाता पहचान पत्र बनाने वाले लोगों को घर द्वार डाक के माध्यम से पहचान पत्र मिलेंगे। यह जानकारी तहसीलदार निर्वाचन चंबा प्रताप सिंह ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पहले नए वोटर आईडी बनाने के बाद बीएलओ के माध्यम से वोटर आईडी लोगों तक पहुंचाए जाते थे, लेकिन कई बार कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिस कारण अब वोटर आईडी बनने के बाद डाक के जरिए पहचान पत्र लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को आधार या कोई अन्य पहचान पत्र दिखाना होगा और उसे वोट पहचान पत्र के साथ लिंक करवाना होगा। कार्ड जो हम वोटर्स को अपने घर घर भेज रहे हैं, तो इसमें ये कारण है कि पहले ये वोटर कार्ड बीएलओ द्वारा बांटे जाते थे। बीएलओ एसटीएम ऑफिस से लेकर के सभी वोटर्स को अपने क्षेत्र में वितरित करता था, लेकिन किन्हीं कारण से लोगों तक आई कार्ड नहीं पहुंच पाते थे। अब कमीशन ने ये नई डायरेक्शन जारी की है कि अब जो वोटर कार्ड जो भी बनेगा इलेक्शन ऑफिस में, वो इलेक्ट्रिक को डिस्ट्रिक्ट पोस्ट के माध्यम से डाक द्वारा भेजा जाएगा, चाहे हमारा उसका जहाँ लोकली ही उसका एड्रेस है तो भी उसको डाक द्वारा भेजना सुनिश्चित किया गया है। और इसमें ये निवेदन किया गया मतदाताओं से कि अपना मोबाइल नंबर अपने फॉर्म पे हमेशा भेजें, और यदि किसी का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो मोबाइल नंबर से उसको संपर्क किया जा सकता है। दूसरा, हमारा स्पेशल समर रिविजन का कार्य 16 अगस्त 2022 से शुरू हो रहा है और ये 11/9/2022 तक चलेगा। लगभग 29 दिन का ये कार्यक्रम है और इसमें ये सभी मतदाताओं से, सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि इस रिविजन के अवधि में सभी अपना जो वोटर लिस्ट को चेक करें और जो जो नाम दर्ज होने वाले हैं उनकी वो प्रविष्टि करवाएं, क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन से पहले ये वोट बनाने का कार्य शुरू होता हो रहा है। इस विषय पे यही कहना चाहेंगे कि एक कमीशन ने और अमेंडमेंट्स किए हैं, जिसमें अब साल में 4 बार रिविजन हुआ करेगा। पहले नवंबर में 1 बार हुआ करता था, लेकिन अभी जनवरी के आधार पे 1 जनवरी 2000 साल में जो एज क्वालिफाई 18 साल करता है उसका वोट बनाया जाएगा। उसके बाद 1 अप्रैल को जो 18 साल क्वालिफाई करता है उसका, उसके बाद जुलाई में, ऐसे ही अक्टूबर में, ये जो हमारे 4 फेज रखे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा लास्ट फेज इस साल में जो नए अमेंडमेंट्स के साथ जो अभी अक्टूबर महीने में क्वालिफाई कर रहे हैं उनका इस इलेक्शन में नाम दर्ज किया जाएगा और वो उसमें वोट करने के लिए पात्र होंगे। तो इस पर सबसे बड़ी अपील यही है कि जो जितने भी हमारे नए वोटर हैं, जो अभी रिसेंटली 18 साल एज क्वालिफाई कर रहे हैं, जो किन्हीं कारण से पहले से जो शादी से या किन्हीं अन्य कारण से दर्ज नहीं हो पाए, वो मतदाता सूची को चेक भी करें और अपना नाम दर्ज करवाएँ। एक इसका सबसे इजी माध्यम है कि हमारी सीओ हिमाचल की वेबसाइट है cohimachal.nsc.in, इस पर जा कर के सर्च कर सकते हैं। एक मोबाइल से ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, उसमें अपना आईडी कार्ड नंबर डाल के पूरे परिवार का ब्यौरा हम जान सकते हैं, कौन कौन से नाम दर्ज हैं। इसी प्रकार नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है ICA का, उस पर भी जा कर के हम कोई फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट काम इलेक्शन का भी ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। इसमें एक नया चीज़ और जुड़ी है कि अब जो अपना वोटर जो है जिसको अपना लिंक के आधार लिंकेज करने के लिए ये डायरेक्शन जारी हुए हैं। इसमें ये है कि मतदाता को अपना जो नाम दर्ज है उसमें अपना आधार नंबर शेयर करना है। ये फॉर्म 6B इसके लिए डिवाइस किया गया, जिनका नाम पहले से दर्ज है उनको फॉर्म 6B के अनुसार अपना नाम आधार नंबर लिंक करवाना है, और जो नए वोटर बनेंगे उनको अपना आधार नंबर शेयर करना है। इसमें इस बात की विशेष ध्यान रखा गया कि किसी का आधार नंबर सोशल अकाउंट पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं होगा, क्योंकि जब कोई इन हार्ड कॉपी में किसी का आधार नंबर कलेक्ट करेगा, BLO द्वारा कलेक्ट होगा, तो उसको प्रॉपर एसटीएम की कस्टडी में फॉर्म को रखा जाएगा। दूसरा सबसे अच्छा और इजी माध्यम है कि वोटर जो है स्वयं NVSP पोर्टल पे वोटर हेल्पलाइन ऐप से ये अपना आधार नंबर खुद लिंक कर सकता है, उसमें उसको कॉपी देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और ना ही उसका आधार नंबर कहीं से डिस्क्लोज होगा। उस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली ही इस नंबर को हाइड करने के, डिजिट हाइड करने का प्रोविज़न है। तो मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करता हूँ कि अपना जो आधार लिंक करवाएं, जिससे दो चीज़ों में हेल्प रहेगी। एक तो किसी का डुप्लीकेट बोगस वोटिंग का कमीशन का जो मोटिव है वो क्लियर होगा,
सेकंड, किसी का दो जगह नाम दर्ज होने की बात जो है वो हमेशा से हट जाएगी। तो इस कारण पिछले भी 2016 में भी ये अभियान चला था, लेकिन कोर्ट की एडिक्शन के कारण ये स्टॉप हुआ। लेकिन अब इसमें आधार नंबर देना आवश्यक है, उसमें ऑप्शनल भी रखा गया है। इसमें जो फॉर्म 6 भी है उसमें ये भी कहा गया कि यदि कोई आधार नंबर अपने किसी का उपलब्ध नहीं है या नहीं मिल पा, तो अन्य डॉक्यूमेंट है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, अपने अपने जो बिजली का बिल है जिसमें होम एड्रेस पे डाक है, या उसका जो अपना किसान पासबुक है, बैंक पेंशन बुक है, उस डॉक्यूमेंट जो 11 डॉक्यूमेंट दिए ऑप्शनल उसमें से कोई डॉक्यूमेंट लगा के बी एल ओ के पास सबमिट कर सकता है। तो ये सबसे पुरजोर अपील है कि इस रिवीजन में इलेक्शन से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वोट दर्ज करवाएं, अपना मतदाता सूची को चेक करें, ऑनलाइन माध्यम से चेक करें, और आधार लिंकेज का जो कार्यक्रम कमीशन का चला है ये दिसंबर तक किया जाना है। तो अभी हमारा जो नया एनरोलमेंट का भी कार्य जो वोट बनाने में चल रहा है उसके साथ आधार लिंकेज का कार्य भी चल रहा है। तो सभी से अपील है कि अपना इस कार्यक्रम में अपना अपना सहयोग दें, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि किसी का आधार नंबर को कहीं से कोई बैंक अकाउंट से कोई हैचिंग हो जाएगी, ऐसा कोई समस्या या दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, चंबा।